कांग्रेस के टूलकिट उजागर होने और प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित भाजपा के बड़े नेताओं पर कांग्रेस द्वारा मुकदमा दायर करने के विरोध में आज पूर्व मुख्यमंत्री ने भी अपनी गिरफ्तारी दी साथ ही कवर्धा जिले के सभी थाना कोतवाली के सामने बैठकर धरना दिए इससे पूर्व बीते शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने अपने घरों के बाहर भूपेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था सोमवार so, को कवर्धा जिले के सभी थाना कोतवाली के सामने हुए धरना के दौरान कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो कोरोना इसलिए हम केवल पांच लोग जिला मुख्यालय में धरना और गिरफ्तारी के लिए आए हैं वरना आपके पुलिस और जेल में इतनी ताकत नहीं है कि हजारों लाखों कार्यकर्ताओं द्वारा गिरफ्तारी के सैलाब को रोक पाती इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भूपेश अगर पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहती है तो उन्हें भाजपा के लोगों को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में चला चले की सरकार चल रही है और ढाई ढाई साल की सेटिंग के बाद जब यहां के नेता कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उनके द्वारा आलाकमान में नंबर बढ़वाने के लिए ओछी हरकतें की जा रही हैं कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर नाकाम होने के बाद अब षड्यंत्र पूर्वक भाजपा को बदनाम कर अपनी रोटी सेकने का काम कर रही है प्रदेश की जनता ढाई साल के भीतर ही कांग्रेस के सरकार की सच्चाई जान चुकी है और इसलिए कांग्रेस अब नया हथकंडा अपनाकर भाजपा को बदनाम कर खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही है धरने के दौरान जिला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर पर सभी पुलिस थाना और पुलिस चौकी में जिला भाजपा कार्यकर्ताओं और सभी मंडल अध्यक्ष के साथ जिला भाजपा अध्यक्ष अनिल सिंह ने सभी पुलिस थाना क्षेत्र के लिए प्रभारी नियुक्त किए थे अपना विचार प्रकट करते हुए कांग्रेस और भूपेश सरकार की इस ओछी हरकत को निंदनीय करार दिया है ब्यूरो रिपोर्ट जे न्यूज कवर्धा